दोस्तों, अगर आप उड़ीसा से एमसीए करना चाहते हैं तो उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020, जिसको कि हम OJEE भी बोलते हैं, उसका फॉर्म जो है निकल चुका है। और आप यहां पर स्क्रीन में दिए हुए वेबसाइट पे जाके आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है odishajee.com। चलिए अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 6 फरवरी से ओपन हो चुका है, पर आप 20 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च 2020 है। एडमिट कार्ड आप 20 अप्रैल 2020 तक डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम होगा एमसीए का, वो 2 से लेके 5 मई 2020 के बीच में कभी भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने गलती से OSEE लिख दिया है, ये OJEE होगा। उसके बाद जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून 2020 में आ जाएगा, और उसके बाद आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा, odishajee.com में। उसके बाद आते हैं कि अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सी भरना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड ये सब जनरेट करें, फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन होंगे, एकेडमिक इंफॉर्मेशन होंगे, वो सारी चीज आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर का स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा, और फाइनली आपको एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमसीए 2 ईयर। यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर 2 साल वाला एमसीए जो है इस बार उड़ीसा के कॉलेजों में होंगे। तो चलिए देखते हैं कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, पास्ट बीएससी बीकॉम बीए विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है? तो आप या तो बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, कोई भी अगर आपके पास डिग्री है और आपके पास अगर मैथ्स है 10+2 लेवल में या फिर ग्रेजुएशन लेवल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है विथ एडिशनल ब्रिज कोर्सेस एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी। उसके लिए आपको कुछ हो सकता है कि एडिशनल ब्रिज कोर्स आपको करने पड़े। ऑब्टेंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो कम से कम 50% होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45% होने चाहिए। उसके बाद आते हैं सिलेबस फॉर एमसीए 2 ईयर, क्या है सिलेबस, चलिए देखते हैं। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर अवेयरनेस, 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स में लॉजिक, सेट, रिलेशन, फंक्शन, नंबर सिस्टम, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस दोनों होंगे, सीक्वेंस सीरीज, वेक्टर्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सिलेबस है मैथ्स का। और कंप्यूटर का क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर अरिथमेटिक, सी लैंग्वेज, C++, डेटा स्ट्रक्चर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटीज, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। हालांकि जो OJEE का जो साइट है उसमें अगर आप सिलेबस में जाएंगे तो वहां पर 2 तरह के सिलेबस दिए हुए हैं, एमसीए 3 ईयर और एमसीए लेटरल एंट्री। तो यहाँ पर मुझे जो लगा जो सिलेबस होगा एमसीए का वो यही सिलेबस होना चाहिए, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर अवेयरनेस का, ठीक है? तो यहाँ पर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन अभी रहेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि पहले ये सब जो फॉर्म निकाले गए थे तो 3 ईयर लेटरल एंट्री के हिसाब से निकाले गए थे। अभी भी अगर आप उनके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जाएंगे तो कई जगह आपको लेटरल एंट्री देखने को मिलेगा, बट वहां पर अगर आप देखेंगे तो अब थोड़ा सा चेंज करके एमसीए 2 ईयर हर जगह कर दिया गया है। उसके बाद अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ से 60 क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस से 60 क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे के एग्जाम होंगे। तो ये पूरा डिटेल है उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जो खास करके एमसीए कोर्स के लिए है, मतलब एमसीए में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।